बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं माला महेश्वरी, गैसी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट ये रेसिपी बनाते हैं। तो एक कप मैंने बेसन लिया है। अब इसमें मैं 3 चम्मच इस तरीके से पहले दूध डालती हूँ। ये कैसी भी कमजोरी, थकान, हड्डियों का दर्द, कमजोरी जैसा भी हो, बस 1 चम्मच खाइए, आपकी रोजाना थकान कमजोरी गायब। अब इसमें मैं 2 चम्मच घी मिला रही हूँ और इसे अच्छे से मिला के अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। पहले ये मिलाने पे बहुत ही दानेदार हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने मिला लिया है। अब इसे दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए, अब एक कटोरी ले लीजिए और इस तरीके से छन्नी, अब इसे इस तरीके से पूरा छान लीजिए। इससे आपकी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इसे हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन परफेक्ट और बहुत ही शानदार बनेगा। और इसे अच्छे से इस तरीके से मैंने छान लिया है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें पैन में 1/3 कप घी डाल रही हूँ। ये देसी घी है, घी को अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। फिर ये जो मैंने बेसन छाना था, अब इससे धीमी आंच पे कंटिन्यू चलाते जाना है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए, तब इसमें बेसन छना हुआ इसमें ऐड करिए इस तरीके से। कैसी भी कमजोरी, थकान हो, हड्डियों का दर्द हो, रोज़ बस 1 चम्मच खाइए, आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। बेसन तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये चना का रहता है। चना हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो देखिए, धीमी आंच पे मैंने इसका कलर भून लिया, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैं 1/3 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी को अच्छे से मिला लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही शानदार आपकी रेसिपी बनने वाली है। इस तरीके से अच्छे से मैंने मिला लिया है। तो ये देखिए, अब इसमें मैं 1/2 कप दूध डाल रही हूँ। आप चीनी मिला के तब दूध डालेंगे तो चीनी भी अच्छे से गल जाएगी और ये आपका बेसन बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। इस तरीके से इसे इस तरीके से अच्छे से कंटिन्यू चलाते जाना है, ताकि चीनी अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, देख सकते हैं ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी, दानेदार ये आपका बेसन का हलवा बना है। तो अब इसमें मैं 1/2 कप मखाना डाले हूँ। मखाना तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसका एक पाउडर तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसकी जगह आप चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन मखाना बहुत ही फायदेमंद है हमारे सेहत के लिए। सारा 1/2 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया। देख सकते हैं बेसन का कलर कितना बढ़िया आया, कलर चेंज हो गया है। अब मैंने 3 चम्मच केसर भिंगो के दूध में अच्छे से रख दिया था, इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसे इस तरीके से मिला लेते हैं, चला लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे मिला लिया है और ये अच्छे से मिल गया है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी बेसन का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट सर्व करते हैं और ऊपर से क्या डालेंगे ये आपको बताएंगे। तो आप इस तरीके से चम्मच से भी निकाल के इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, अब एक प्लेट में मैंने इस तरीके से सर्व के लिए इस तरीके से इसका एक डिजाइन बना दिया और ऊपर से मैं थोड़ा सा खसखस सर्व के लिए कर दे रही हूँ। खसखस हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ऊपर से ये देखिए, पॉपी सीड देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो खाने में तो लाजवाब भी। बस 1 चम्मच उठाइए और ये फटाफट मुंह में डालिए, घुल जाएगा, खाने में बहुत ही टेस्ट।